हेलो दोस्तों, बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाज़ार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो रिजल्ट से रिलेटेड, वो भी अडानी के, क्योंकि अडानी के स्टॉक बड़े चर्चा में है। ओके, एंड काफ़ी अच्छे रिटर्न हमने भी कमाए हैं और आप लोगों को भी, आप हमेशा रिकमेंड किया है उन स्टॉक्स को। तो उन्हीं दो मतलब अडानी पोर्ट के रिजल्ट एज वेल एज बात करें अडानी टोटल गैस के रिजल्ट, इन दो रिजल्ट से रिलेटेड बातें करने वाले हैं और बात करते हैं उनके फ्यूचर से रिलेटेड भी। फिर भी और अगर बात करें, अभी रिसेंटली यहाँ पर दो वीडियो आई है। ओके, फोर स्टॉक्स फॉर बिग अपॉर्चुनिटी। ओके, जो 2 महीने में आपको अच्छे खासे 10-15% के रिटर्न दे सकते हैं और मोर देन दैट भी दे सकते हैं। एज वेल एज अगर बात करें यहाँ पर Q4 रिजल्ट, सुवन लाइफ, मॉर्पन लैब एज वेल एज DCM श्रीराम के Q4 के रिजल्ट आए, उससे रिलेटेड हमने बातें करी है। तो आप इन दो वीडियो को डेफिनेटली देख लीजिएगा। और बाकी कोरोना की स्थिति आपको पता ही है, लोग को आपकी ज़रूरत है, तो आप लोग अगर मदद कर सकते हैं तो यहाँ पर आप अपने लोकेलिटी में, अपनी सराउंडिंग में मदद करिए। एज वेल एज अगर पैसों से मदद करना चाहते हैं, PM केयर फंड या फिर आप अपने NGO जो हेल्प करते हैं उनमें आप हेल्प कर सकते हैं। एज वेल एज यहाँ पर एक और लिंक है, अगर आपका ट्रेडिंग डीमैट अकाउंट नहीं है, यहाँ क्लिक करें, फ्री में आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। तो आइए वीडियो की तरफ। तो जिस स्टॉक से रिलेटेड हम बातें करने वाले हैं, ओके, सबसे पहले अडानी पोर्ट एंड लॉजिस्टिक। तो आज के दिन अगर बात करें तो काफ़ी अडानी के सारे ही स्टॉक, जो 5 स्टॉक्स मार्केट में लिस्ट है, सारे ही पॉपुलर हैं। ओके, एंड एज वेल एज बात करें तो इनके रिजल्ट वन बाय वन आ रहे हैं। तो अभी हमारे पास दो रिजल्ट आते हुए नज़र आए हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके डिविडेंड की। तो देखिए, कंपनी ने डिविडेंड यहाँ पर इशू किया है, कितने का? द बोर्ड हैज़ रिकमेंड डिविडेंड एट 250 रुपीज़ 5 पर इक्विटी शेयर ऑफ 2 ईच। मतलब अगर बात करें, 2 रुपये का इनकी फेस वैल्यू है और 5 रुपये का डिविडेंड कंपनी देती हुई हमें नज़र आ रही है। तो 5 रुपये का डिविडेंड आपको इस क्वार्टर में यहाँ पर रिकमेंड किया गया है बाय अडानी पोर्ट्स एंड लॉजिस्टिक। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर इनके रिजल्ट से रिलेटेड, तो यहाँ पर हम थोड़ा नीचे आ जाते हैं तो आपको रिजल्ट्स मिल जाएंगे, यहाँ पर आ जाते हैं। एक मिनट दीजिए मुझे। देखिए, यहाँ पर ये है अडानी पोर्ट्स के रिजल्ट। ओके, यहाँ पर आप देख लीजिए इन करोड़्स में है। और बाकी अगर हम बात करें यहाँ पर टेढ़ा मेढ़ा इन्होंने सबमिट कर रखा है BSE की साइट पे, तो आप यहाँ पर देख लीजिए इस बार के रिजल्ट है लास्ट Q3 के और ये Q4 के रिजल्ट है लास्ट ईयर के। तो इसी पैटर्न में रिजल्ट्स होते हैं। तो अगर हम बात करते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जो इनका मेन है, और के तो कितना रेवेन्यू होता हुआ नज़र आया है, तो ये हुआ है 3,607 करोड़ रुपये। इससे पहले 3,746 करोड़ रुपये Q3 में था। और अगर ईयरली बेसिस पे बात करें तो 2,921 करोड़ रुपये का रेवेन्यू था, वो भी कब? Q4 में, वो भी लास्ट ईयर। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर गेन अराइजिंग फ्रॉम द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एट धर्मा LNG टर्मिनल। ओके, ये यहाँ पर रेफर नोट 18। अगर हम बात करते हैं अदर इनकम की, यहाँ पर अदर इनकम भी होती हुई नज़र आई है, जो कि यहाँ पर यहाँ देख सकते हैं अलग अलग इनकम है। बट अगर हम टोटल इनकम सीधे बात करते हैं तो लगभग 4,072 करोड़ रुपए की टोटल इनकम इस बार हुई है। लास्ट क्वार्टर में 4,274 करोड़ रुपए की थी, इससे पहले 3,360 करोड़ रुपए की थी। तो अगर हम ईयरली और क्वार्टरली बेसिस पे अगर बात करते हैं तो ईयरली बेसिस पे अच्छा खासा जंप, लगभग अगर बात करें 640 करोड़ मतलब 600 करोड़ रुपए का यहाँ पर जंप लगता हुआ नजर आया। बट क्वार्टरली बेसिस पे यहाँ पर 2,000 करोड़ रुपए का नीचे यहाँ पर इनकम होती हुई नजर आई है। इसके अलावा बात कर लेते हैं यहाँ पर एक्सपेंसेस। तो यहाँ पर टोटल एक्सपेंसेस की अगर हम बात करते हैं तो इस बार जो एक्सपेंसेस होते हुए नज़र आए हैं 168 करोड़ रुपए हुए हैं। अगर बात करें, इससे पहले 181 करोड़ थे। और अगर लास्ट क्वार्टर की, लास्ट ईयर क्वार्टर मतलब Q4 की लास्ट ईयर की बात करें तो 204 करोड़ रुपए। देखिए, क्वार्टर वाइज तो यहाँ पर एक्सपेंस भी कम होते हुए नज़र आए हैं, प्रॉफिट ज़्यादा बढ़ते हुए नज़र आए, जो कि अच्छी बात है। बट ईयरली बेसिस पे भी यहाँ पर, क्वार्टरली बेसिस पे भी और ईयरली बेसिस पे भी एक्सपेंस कम होते हुए नज़र आए हैं। तो ये सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पर एक्सपेंस भी कंपनी ने कम करते हुए हमें दिखाई दिए। अगर बात कर लेते हैं प्रॉफिट फॉर द पीरियड सीधे, तो यहाँ पर आप देख लीजिए 1300 टैक्स वगैरह देने के बाद लगभग 1320 करोड़ रुपए का यहाँ पर प्रॉफिट अभी इस क्वार्टर में होता हुआ नजर आया है। और इससे पहले 1576 करोड़ रुपए का प्रॉफिट था। और अगर बात करते हैं इससे पहले, तो 340 करोड़ रुपए का यहाँ पर प्रॉफिट होता हुआ हमें नजर आया था। तो क्वार्टरली ईयरली बेसिस पे ओके, कंपनी ने अच्छा खासा मतलब 4 गुना रिटर्न देते हुए कंपनी नजर आ रही है, 4 गुना प्रॉफिट करते हुए नजर आ रही है। बट ईयरली क्वार्टरली बेसिस पे यहाँ पर गिरावट है, बट ईयरली बेसिस पे अच्छा खासा यहाँ पर जंप दिखाई गई है सीधे। तो कंपनी अगर ईयरली बेसिस पे बात करें तो अच्छा खासा रिटर्न दिया है, तो आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए बन सकते हैं। बट क्वार्टरली बेसिस पे अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पर रिजल्ट कम नजर आते हैं, जो कि हमें EPS में भी साफ दिखाई देता है कि EPS लास्ट क्वार्टर में 7 रुपये 69 पैसे का था, तो अभी है 6 रुपये 34 पैसे का, और इससे पहले 1 रुपये 65 पैसे का EPS था Q4 में। तो क्वार्टरली ईयरली बेसिस पे काफ़ी अच्छे रिटर्न दिया। बाकी 5 रुपये का यहाँ डिविडेंड भी
कंपनी ने अनाउंस किया है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं यहाँ पर एक और कंपनी अडानी की, अडानी गैस, जिसके रिजल्ट हमें आते हुए दिखाई दिया, तो कंपनी ने यहाँ पर भी आपको डिविडेंड देते हुए नजर आया। तो कितना डिविडेंड दिया है, तो कंपनी के डिविडेंड देख के आप निराश हो जाएंगे, क्योंकि हर बार यही डिविडेंड दिया है, क्योंकि कितने का 25 पैसे का यहाँ पर डिविडेंड देती हुई कंपनी नजर आई है फेस वैल्यू 1 के ऊपर। तो अगर हम यहाँ पर डिविडेंड तो ये कंपनी ज़्यादा देती नहीं है, बट हाँ प्राइस का जो एप्रिसिएशन, जिस तरीके से 350 रुपये का स्टॉक जो हमने खरीदा था, आपको रिकमेंड किया था, तो जिस तरीके से 1200 रुपये तक 1300 रुपये तक जाने को मिला है, तो उसी तरीके से यहाँ पर प्राइस एप्रिसिएशन होना तो वो ही हमारे लिए काफ़ी अच्छी बात होती है। अगर बात करें यहाँ पर रिजल्ट की, तो ये भी करोड़ में है, ये इस बार के, ये लास्ट क्वार्टर के, लास्ट Q4 के। तो यहाँ पर टोटल इनकम की बात कर लेते हैं, तो लगभग 633 करोड़ रुपए की यहाँ पर इस बार की इनकम हुई है। इससे पहले की बात करें 531, और उससे पहले Q4 की बात करें 502। तो ईयरली क्वार्टरली दोनों बेसिस में यहाँ पर टोटल इनकम में यहाँ पर इनकम में यार बढ़ोतरी नज़र आई है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। एक्सपेंस की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर देखिए इस बार के एक्सपेंसिस 438 करोड़ रुपये के एक्सपेंस है, इससे पहले 335 करोड़ के एक्सपेंसिस थे, और उससे पहले बात करें तो 345 करोड़ रुपये के एक्सपेंसिस है। तो एक्सपेंसिस देखिए क्वार्टरली और ईयरली दोनों बेसिस में यहाँ पर बढ़ते हुए नज़र आए है, सीधे सिंपल बात ये है। अगर बात कर रहे हैं यहाँ पर प्रॉफिट फॉर द पीरियड, ओके, तो यहाँ पर आप देख लीजिए 144 करोड़ रुपए का प्रॉफिट होता हुआ नजर आया है, ओके। और अगर बात करते हैं यहाँ पर क्वार्टरली बेसिस पे, तो लास्ट क्वार्टर में 145 करोड़ का प्रॉफिट था, और उससे पहले 122 करोड़ रुपए। तो देखिए क्वार्टरली वाइज तो यहाँ पर गिरावट नजर आई है, बट ईयरली वाइज यहाँ पर कंपनी ने प्रॉफिट करते हुए नजर आई है आया है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो कहाँ पर यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन हमें नजर आता है, तो आप यहां पर डिफर्ड टैक्स थोड़ा सा बढ़ता हुआ नजर आया है, ओके, एज वेल एज अगर हम यहां पर बात करते हैं एक्सपेंसेस में ही यहाँ पर, या फिर टैक्सेस वगैरह में ही यहाँ पर टैक्स वगैरह ज़्यादा लगते हुए नजर आया है, इसी वजह से यहाँ पर आई थिंक यहाँ पर प्रॉफिट में यहाँ पर गिरावट नज़र आई है। बट कोई इशू नहीं है, कंपनी ने क्वार्टरली वाइज लगभग फ्लैट है, बट ईयरली वाइज यहाँ पर लगभग 22 करोड़ रुपये का ज़्यादा मुनाफा कमाते हुए नज़र आई है। 1 रुपये 32 पैसे का EPS इस बार है, लास्ट बार भी 1 रुपये 32 पैसे का, तो 1 रुपये 11 पैसे का EPS इस बार भी लास्ट Q4 में था। तो अगर हम बात करते हैं अब क्या कंपनी के साथ रहना चाहिए तो नहीं रहना चाहिए इससे रिलेटेड, तो देखिए अडानी पोर्ट ने अच्छे खासे रिजल्ट पेश करे, बड़े बड़े इसके पास अब प्रोजेक्ट भी आए हुए, एक वॉलमार्ट से रिलेटेड प्रोजेक्ट था, ओके, चार्ट पैटर्न काफ़ी बेहतरीन है, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता भी चुका हूँ। तो इस कंपनी के साथ आप बने रह सकते हैं, ओके, और कोई अगर आपको डिप दिखाई देती है तो बाय ऑन डिप्स करने का बिल्कुल ही मौका मत छोड़िए, और बाकी कल अगर मार्केट अच्छी रही तो ये शेयर मुझे बढ़ता हुआ नजर आएगा। अगर बात करते हैं अडानी गैस की, तो अडानी गैस देखिए अच्छा खासा स्टॉक है, नो डाउट, बट जिस हिसाब से ये बढ़ा है तो कंसोलिडेशन फेज में ये जा सकता है, क्योंकि ईयरली बेसिस पे रिटर्न अच्छे है, क्वार्टरली बेसिस पे फ्लैट है, तो यहाँ पर शायद थोड़ा सा आपको गिरावट होती हुई नज़र आ सकती है। बाकी डिविडेंड कुछ खास दिया नहीं है, तो यहाँ पर थोड़ी सी निराशा शायद लोगों में होती हुई दिखाई दे, तो यहाँ पर और गिरावट यहाँ पर नज़र आ सकती है। इसके अलावा अगर हम चार्ट पैटर्न की यहाँ पर अडानी पोर्ट्स की बात करते हैं, तो यहाँ पर FIs ने थोड़ी सी हिस्सेदारी बढ़ाई है, DIs ने थोड़ी सी हिस्सेदारी बेची है, पब्लिक के पास कुछ भी शेयर नहीं है, अगर बात करें तो 3-4% की हिस्सेदारी है, बाकी प्रमोटर्स के पास FIs DIs के पास ही हिस्सेदारी नजर आती है। बाकी इसके अलावा एक चीज और बताना चाहता हूं कि डेट, कंपनी के पास अच्छा खासा डेट भी है, और प्लेजिंग की बात करें तो लगभग 16% के शेयर यहां पर प्लेज करते हुए कंपनी नजर आई है। बाकी कुछ शेयर आई थिंक यहां पर अडानी ग्रुप ने छुड़ाए भी थे, जो अभी अपडेट नहीं हुआ है, बट जिस दिन अपडेट हो जाएगा, 1-2 दिन बाद हम इसकी अलावा अलग वीडियो बनाएंगे, तो ऑब्वियसली इसके बारे में प्लेजिंग एज वेल एज डेट के बारे में बात करेंगे। बाकी यहाँ पर बात करते हैं अडानी टोटल गैस की, तो सबसे अच्छा शेयर ये ही लगता है, किस वजह से, कि यहाँ पर कोई भी यहाँ पर प्लेजिंग परसेंटेज नहीं है, बाकी डेट हाँ यहाँ पर 25% तक का यहाँ पर डेट दिखाई देता है। बाकी जिस हिसाब से एप्रिसिएशन यहाँ पर प्राइस में हुआ है, तो अच्छे खासे मल्टीबैगर रिटर्न्स लोगों को मिलते हुए नजर आए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑल टाइम हाई पे ऑलरेडी ये अडानी पोर्ट्स भी चल रहा है, तो कल की डेट में ये किस हिसाब से रिएक्ट करेगा वो देखना पड़ेगा, मार्केट को इस किस हिसाब से इनके रिजल्ट लगे हैं उस हिसाब से देखना पड़ेगा। तो ये भाग अगर बाय ऑन डिप्स करने का मौका मिलता है तो अडानी पोर्ट्स में आप जा सकते हैं। बाकी अडानी गैस अच्छा स्टॉक है, नो डाउट, ओके, एंड यहाँ पर कोई प्लेजिंग परसेंटेज भी नहीं है, बट ऑल टाइम हाई पे ऑलरेडी चल रहा है, तो यहाँ पर थोड़ा बहुत करेक्शन आ सकता है जो मुझे लग रहा है। बाकी डिविडेंड 25 पैसे का दिया है, लोगों को शायद वो पसंद नहीं आएगा, जो कि मार्केट में ऑब्वियसली होता भी है। तो इसी चीज़ से रिलेटेड वीडियो थी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करिए,
बाकी हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ताकि इस तरीके की वीडियो आपको डेली बेसिस पे मिलती रहे और हम सब मिलके आगे बढ़ते रहे। बाकी आपको किस कौन से आपको किस तरीके से रिजल्ट लगे, रिजल्ट आपको किसके अच्छे लगे, अडानी पोर्ट्स के, अडानी गैस के, आप अपनी राय कमेंट पर भी दे सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।